तो दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और आपको मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन अपने मेन चैनल पे और इस चैनल पे भी Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग दे चुका हूं। अब आज यहां पर सुबह सुबह एक काफी अच्छी अपडेट निकल करके आ चुकी है Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के, क्योंकि फाइनली अब ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर 3C सर्टिफिकेशन साइट पर भी ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, जिससे इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो यहां पर कंफर्म हो गए हैं। फीचर्स निकल करके आ चुके हैं अपर वेरिएंट और लोअर वेरिएंट के लिए भी। अब ये डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या फीचर्स हैं और ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करूं Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है 3C सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं। यहां पर अगर बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, तो जो टॉप वेरिएंट होने वाला है, आप कह सकते हैं कि जो Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें 5000mAh की बैटरी होगी, 120 वाट का चार्जर होने वाला है, और यहां पर जो लोअर एंड वेरिएंट यानी जो Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें आपको 5120mAh की बैटरी मिलने वाली है और 67 वाट का चार्जर मिलने वाला है। तो इस बार कंपनी ने काफी अच्छा अपग्रेड किया है अपने टॉप वेरिएंट और लोअर वेरिएंट दोनों को, और यहां पर टॉप वेरिएंट में 120 वाट की चार्जिंग आने वाली है और लोअर वेरिएंट में 67 वाट की चार्जिंग आने वाली है। साथ में यहां पर 1.5K डिस्प्ले, आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर देखने को मिल जाएगा विद 1.5K रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ आपको 200MP का HPX सेंसर के साथ में जो कैमरा है वो देखने को मिलने वाला है, और ये ऑब्वियसली हाई एंड वेरिएंट में आपको ये कैमरा जो स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ नई स्पेसिफिकेशन निकल कर के आए हैं Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, और यहाँ पर देख करके लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है इस बार अपने Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन्स पे। बाकी ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। अक्टूबर में ये जो स्मार्टफोन है वो अपने पैरेंट कंट्री यानी चाइना में लॉन्च किए जाएंगे, और इसके बाद में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये थी कुछ एक नई अपडेट जो कि इस स्मार्टफोन के बारे में निकल के आई थी। आपका क्या ओपिनियन है Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर के, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल यह था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।